नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, समग्र पोर्टल, दोस्तों हम समग्र पोर्टल से जुड़े हर अपडेट से डेली अपडेट होते रहते हैं। आप पूरा पॉडकास्ट बना, प्लेलिस्ट बनी है मेरी, उसमें सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, समग्र पोर्टल में हमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि हमें किसी भी तरह से पूरा समग्र डाटा हमें प्राप्त हो सके। हम हमेशा यही चाहते हैं कि किसी भी ग्राम पंचायत में से हम अधिकारी कर्मचारी गणे, तो हम चाहते हैं कि पूरा डाटा जो है समग्र हमारे पास रहे, जिससे किसी भी योजना में हितग्राही आवेदक को कोई लाभ देना है तो हम आसानी से दे पाए। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं इसी का सॉल्यूशन करना आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से हम पूरे समग्र का डाटा डाउनलोड करना सीखेंगे, पूरा एक एक ग्राम पंचायत का, है ना, किस तरह से हम अपनी ग्राम पंचायत का डाटा पूरा समग्र पॉपुलेशन रजिस्टर, है ना, जिसको समग्र जनसंख्या पंजी भी कह सकते हैं हम, तो पूरी जनसंख्या पंजी पॉपुलेशन रजिस्टर हम किस तरह से डाउनलोड कर सकें और उसका प्रिंट लेकर एक ग्राम पंचायत में या वार्ड कार्यालय में रख लें। उसमें सब देखेगा दोस्तों कि EKYC है या नहीं, DVT इनेबल्ड है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, और भी सारी डिटेल्स, है ना। तो पूरा एक तरह से सही डाटा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो किस तरह से करें वो आप आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित हमें जो जो महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं उन वो वेबसाइट बता देता हूँ। इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे सीधे क्लिक कर भी आप वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो samagra.gov.in 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 जैसे ही आप टाइप करते हैं इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। आपको जो जैसा पता है अभी सबसे ज़्यादा जो EKYC करना चल रहा है कि प्रत्येक जो अब हर योजना में EKYC कंपलसरी कर दिया गया है, तो हर मैं हर आम नागरिक से भी यही चाहूँगा कि आप अपना EKYC कर जरूर रख लें। और ओपन पोर्टल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओपन पोर्टल से कोई व्यक्ति अपने घर बैठे मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से EKYC कर सकते हैं। सिंपल सा ये लिंक आता है, EKYC करें, इस पर क्लिक कर दें और सिंपल सी डिटेल्स डाल के अपने आधार को समग्र सदस्य ID से जोड़ना है, 9 अंकों की सदस्य ID से जोड़ना है। तो ये पूरी प्रोसेस भी मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ, तो वो लिंक दे दूंगा। तो आप सिंपल सी आप घर बैठे जो है EKYC कर सकते हैं। ठीक है, EKYC जरूर कर लें। अब जो मैं समग्र पोर्टल पर जो समग्र पॉपुलेशन रजिस्टर दिखाने वाला हूँ वो कैसे देखेंगे, तो वो पोर्टल है दोस्तों spr.samagra.gov.in spr.samagra.gov.in samagra.spr.samagra.gov.in जैसे ही आप टाइप करते हैं इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। अब दोस्तों हमें जो है समग्र जनसंख्या पंजी समग्र पॉपुलेशन रजिस्टर डाउनलोड करना है, किसी भी ग्राम पंचायत का या वार्ड कार्यालय का पूरी जनसंख्या कितनी है, जितनी समग्र ID बनी वो पूरी डाउनलोड करना है पूरी डिटेल के साथ। तो वह किस तरह से हम कर सकें इसकी दोस्तों एक कॉपी हम अपने ग्राम पंचायत में वार्ड कार्यालय में भी फोटो मतलब प्रिंट आउट लेकर रख लें, जिससे कि हमें पूरा जानकारी पता रहे, और PDF बनाकर भी सेव करके रख लें, एक्सेल फॉर्मेट में सेव रख लें कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप में, कि हमें जब भी जरूरत पड़े तो हम इससे देखकर किसी भी योजना में जो है पूरे समग्र पॉपुलेशन रजिस्टर का लाभ ले सकें और उससे सारे कार्य कर सकें। चलिए हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपकी ग्राम पंचायत का यूजर नेम पासवर्ड डालना है, ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय का। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड डालें, कैप्चा कोड लिखें और नीचे लॉगिन करें पर क्लिक करें। दोस्तों जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इस तरह से होम पेज आ जाएगा। जैसे लॉगिन करेंगे तो कर्मचारी प्रबंधन एम्प्लॉयज एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। अब दोस्तों मैं सीधे आपको वहीं ले चलता हूँ, रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर हमें जाना है। अभी मैंने कल ही आपको वीडियो बनाकर बताया कि हम किस तरह से पेंशनर्स की डिटेल रिपोर्ट देख सकें, जिनका EKYC नहीं हुआ है, जितने पेंशनर्स हैं हमारी ग्राम पंचायत वो देख सकें। अब हम सीधे चलेंगे दोस्तों, आज जो चलेंगे वो देखेंगे पॉपुलेशन रिपोर्ट, मतलब किस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, पॉपुलेशन रिपोर्ट जनसंख्या की जो जानकारी है उस पर क्लिक करेंगे, पॉपुलेशन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ आ जाता है डिस्ट्रिक्ट जिससे आपने लॉगिन किया, लोकल बॉडी में जाएगा, जो भी जनपद पंचायत या नगरी निकाय जो भी है वो जाएगा, ग्राम पंचायत या जोन आ जाएगा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। अब आप अपना विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका कौन सा गांव है उस ग्राम पंचायत में, एक एक गांव वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक गाँव पर क्लिक किया, अब यहाँ ये क्लिक करना है कैप्चा कोड। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दोनों चीज़ दिखाऊंगा, 100 रिक्वेस्ट कर आप ऑनलाइन यहाँ पूरी जनसंख्या पंजी देख सकेंगे पॉपुलेशन रजिस्टर, और डाउनलोड एक्सेल कर आप पूरा सेव भी कर सकेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम 100 रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय का पूरा समग्र डाटा आ जाएगा, पूरा रजिस्टर आ जाएगा, पॉपुलेशन रजिस्टर, जनसंख्या पंजी, सीरियल नंबर लिखा रहेगा, लोकल बॉडी आपकी जनपद पंचायत है या नगरीय निकाय जो भी है वो आ जाएगा, ग्राम पंचायत जो न जाएगी उसका विलेज या वार्ड जो आपने सेलेक्ट किया वो आ जाएगा, समग्र मेंबर आईडी जो लोगों की मेंबर आईडी सदस्य आईडी होती है वो आ जाएगी, समग्र फैमिली आईडी जो फैमिली आईडी होती है 8 अंकों की वो आ जाएगी, परिवार आईडी, नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कैटेगरी नेम आ जाएगा एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी है, एड्रेस आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा मेल फीमेल है ना, इसी तरह से मेरिटल स्टेटस मेरिट या अनमेरिट सब आ जाएगा, ई केवाईसी स्टेटस भी दिखेगा, तो बहुत अच्छा ऑप्शन जुड़ गया है दोस्तों। ई केवाईसी यदि नो दिख रहा है मतलब इनके हम कह सकते हैं या ग्राम पंचायत में बढ़िया फोल्डर बना के रख लें कि आप भी ई केवाईसी जरूर करा लेंगे, क्योंकि आप शासन की कोई सी योजना के लिए हमें ई केवाईसी होना जरूरी है और डीबीटी इनेबल्ड भी होना जरूरी है। देखिए इसमें ई केवाईसी स्टेटस भी दिख रहा है, आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस भी दिख रहा है, जैसे नो दिख रहा है यहां पर, यहां भी नॉट येट रिसीव्ड दिख रहा है, यहां डीबीटी स्टेटस दिख रहा है नॉट येट रिसीव्ड, मतलब ये करा लें तो आगे कोई सी भी योजना है गवर्नमेंट की तो वो उसमें क्योंकि कंपलसरी हो गया है तो उनको लाभ प्राप्त हो सके। जैसे यहां पर दिख रहा है यस है ना, ये भी एक्टिव है और डीबीटी स्टेटस भी एक्टिव है, ठीक है। तो ये इस तरह से सभी करा लें दोस्तों, ओपन पोर्टल है, मैंने वीडियो बनाया है कि आम नागरिक किस तरह से जो है ई के वाई सी कर सकें और बैंक में जाकर डीबीटी का फॉर्म भरकर डीबीटी इनेबल्ड भी अपने खाते को करा सकें, ठीक है। तो इस तरह से सबका डाटा हो जाएगा, तो एक तरह से सही डाटा हो जाएगा, इसलिए इसका प्रिंट आउट लेकर जरूर ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय में रख लें और हितग्राही को कहें कि आप आगे देखें ई के वाई सी कर लें या करा लें, जिससे कि पूरा डाटा हमारा सही तरीके से अपडेट हो सके। और दोस्तों इसका जैसे मैंने आपको बताया, आप फोल्डर बनाकर एक्सेल फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल में रख लें और जो है प्रिंट आउट भी ले लें, जिससे कि आप हर आवेदक हितग्राही को बता सकें, ग्रामवासी को, कि आप ई के वाई सी डीबीटी करा लें तो आगे कोई सी योजना आती है तो उसमें लाभ प्राप्त हो सके, और ज़रूरी भी है क्योंकि आप कंपलसरी हो ही गया हर योजना में तो ज़रूरी भी है, ठीक है। इस तरह से पूरा देख सकते हैं आप, अब जैसे जैसे नीचे आएंगे यहाँ देखिए पूरा लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो आप जितने आगे बढ़ते जाएंगे तो पूरी जो आपकी जनसंख्या पंजी वो यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अलग क्लिक करके सभी को। अब दोस्तों मैं आपको डाउनलोड करना बताता हूँ। अब दोस्तों डाउनलोड हम किस तरह से करेंगे, वही पॉपुलेशन जो रिपोर्ट पर हम जाना है, पॉपुलेशन रिपोर्ट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पॉपुलेशन रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडी ग्राम पंचायत जोन रहेगा, आपको विलेज वार्ड सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट कर लें, ग्राम पंचायत या वार्ड जो है वो सेलेक्ट कर लें, यहाँ ये कैप्चा कोड लिखें, इसके बाद डाउनलोड एक्सेल जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। चलिए मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, अभी इसमें अपन जैसे ही हम डाउनलोड एक्सेल कर रहे हैं तो ये सीधे प्रिंट पर आ रहा है ना, तो आप सीधे प्रिंट भी ले सकते हैं इसका है ना, या फिर आप यदि गूगल क्रोम ये चला रहे हैं या आपने पीडीएफ रीडर इंस्टॉल करा हुआ है, ठीक है, पीडीएफ प्रिंटर, तो आप पीडीएफ रूप में भी सेव कर लें, जैसे सेव एस पीडीएफ कर लें तो इसको आप अपने जो है मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप में पीडीएफ रूप में भी सेव कर रख लें, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसको जो है पीडीएफ रूप में सेव कर लेता हूं, उसको सेव करने के बाद भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, जो डाटा अभी हम सामने ऑनलाइन देख रहे थे वही पीडीएफ रूप में भी सेव हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है दोस्तों। बहुत दिनों से प्रॉब्लम जा रही थी कि डाटा क्लियर सेव नहीं होता था, अब क्लियर सेव यहां पर हो रहा है, पीडीएफ रूप में सेव हो रहा है, प्रिंट भी क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से पूरी ग्राम पंचायत का प्रत्येक ग्राम वाइज है ना, जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक आप विलेज वाइज डाटा तैयार करके रख सकते हैं, इस तरह से इसमें पूरा दिख जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नेम है ना, लोकल वार्ड नेम, जोन या आपका ग्राम पंचायत नेम, विलेज वार्ड नेम, मेंबर आईडी, फैमिली आईडी, नाम, फैमिली हेड नेम, मुखिया का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी आ जाएगी, एड्रेस, मेरिटल स्टेटस, आधार ई केवाईसी दिख रहा है, देखिए जैसे पहले दिख रहा है यस, एनपीसीआई स्टेटस मतलब एनपीसीआई पे रजिस्टर्ड एक्टिव दिख रहा है, डीबीटी स्टेटस भी दिख रहा है, जैसे डीबीटी स्टेटस इनएक्टिव दिख रहा है ना, ऐसे अलग अलग सब दिखेंगे, नो है तो सब यस करा लें है ना, आधार ई केवाईसी करा लें, ये सब मैंने बताया, ठीक है, और डीबीटी इनेबल्ड भी करा लें, तो ये सभी जैसे यहाँ पूरा यस यस दिख रहा है, इस तरह से सभी लोग करवा लें, तो इसकी पूरी प्रिंट आउट कर एक कॉपी आप अपनी ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय में रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको अच्छा बता दिया, आप आसानी से अब इस तरह से पूरी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय की पूरी सूची जो है समग्र सूची पॉपुलेशन रजिस्टर पूरा डाउनलोड कर सकते हैं जनसंख्या पंजी, ठीक है।
तो दोस्तों आज हमने जो है पूरा पॉपुलेशन रजिस्टर, जो पॉपुलेशन रिपोर्ट के अंतर्गत पॉपुलेशन रजिस्टर, जनसंख्या पंजी डाउनलोड करना देखा, पूरे ग्राम पंचायत की, पूरे वार्ड कार्यालय की किस तरह से करना है। इसी तरह और छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों आप स्वेच्छा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं चैनल को तो सुपर सेंस के जरिए UPI के माध्यम से कर सकते हैं, और आप ऑल पोर्टल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं 799 रुपीज़ वाली, जिसमें आपको सभी डिटेल्स और डिटेल्स में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।